समझते हैं आर्टिकल 246 ए क्या है। हेडिंग पर आइए बेटे, आर्टिकल 246 ए स्पेशल प्रोविजन है बेटे, एक जनरल प्रोविजन नहीं है, स्पेशल क्यों बेटे, क्योंकि इसमें कंकरेंट पावर है। वेरी गुड, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, बिल्कुल सही समझे आप बेटे। अब लगता है कुछ कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को, तो स्पेस दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है, इसीलिए ये स्पेशल है बेटे, पुराने में ऐसा नहीं था। तो दिस इज स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी, विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी लिख लेना बेटे। नॉट विथ स्टैंडिंग क्लाउज वन कहता है बेटे, ये क्लाउज वन है। नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब बेटे, ओवर रूल, आगे जो बातें हम लिख रहे हैं वो ओवर रूल हो, उसे ओवर रूल करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 254, 246 कुछ भी कहता रहे, पुराना लॉ कुछ भी कहता रहे, 254 कुछ भी कहता रहे। 254 क्या कहता है बेटे, कंकरेंट लिस्ट हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो वहां पे ये बात हमने सुनी होगी, आ रहा है ध्यान, आज ही पढ़ा है, भूल गया, इतने जल्दी भूलोगे बेटे तो कैसे काम चलेगा। चलिए नहीं बे, घर जाके रिवाइज कर लेना। कंकरेंट लिस्ट में बेटे या दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे बेटे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वेरी गुड, पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। तो इन दोनों ने कानून अगर बना लिया, मान लो इन दोनों कानून में कोई डिस्प्यूट होगा तो किसका कानून प्रिवेल करेगा, सेंटर का। ये कहां लिखा था, आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 कहता है बेटा अगर सेंटर ने भी कानून बना दिया और स्टेट ने भी कानून बना दिया तो उस केस में जो सेंटर ने कानून बनाया है वो प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ। और 246 कहता है बेटे पुराने लॉ में टैक्स बनाने का बंटवारा कर दिया गया था, कौन से मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, कौन से मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बेटे पार्लियामेंट और ये स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, 246 और 254 भाड़ में गया, ओवरऑल को हिंदी में देसी भाषा में हम कह सकते हैं भाड़ में गया। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254, 246 कुछ भी कहता रहे, 254 कुछ भी कहता रहे, हम जो यहां लिखने वाले वही लागू होगा, हम जो यहां बता रहे वही लागू होगा, 246 ए जो बता रहे हमको ना, 246 ए जो बता रहे वही होगा, बाकी ये दोनों में कुछ भी लिखता रहे, केवल ये दोनों ओवर रूल करेंगे, बाकी सारे आर्टिकल नहीं ओवर रूल करना बेटे, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे आर्टिकल है, सारे आर्टिकल ओवर रूल नहीं करना बेटे, केवल ये जो आर्टिकल जिसको कि हमने लिख के आपको बता दिया उन्हें ओवर रूल करना है आपको। तो कहता है ओवर रूल कीजिए 246 और 254 को, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी का क्या मीनिंग था बेटे, व्हाट इज जीएसटी, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वेरी गुड, जीएसटी का मतलब है टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी इंपोज बाय यूनियन और सच स्टेट। सच स्टेट का मतलब 29 स्टेट, अलग अलग 29 स्टेट। तो 246 ए ने बेटा पावर दिया है, क्या पावर दिया, पार्लियामेंट को पावर दिया है और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दिया है कि आप कानून बना लीजिए जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर आप कानून बना लीजिए, ये पावर दिया है। और इस पावर को लेके हमने जीएसटी के ऊपर कानून भी बना लिया बेटे, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसे सीजीएसटी कहते हैं
और स्टेट लेजिस्लेचर में कानून बनाया उसे एजीएसटी कहते हैं। इन दोनों ने इसने एक कानून बनाया, ये अलग अलग 29 है तो 29 कानून बनाएगा, इस तरह से 30 कानून बन गए फॉर जीएसटी। तो नॉट नोटिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू, बेटा ये सब्जेक्ट टू किसके लिए लिखा गया है, पार्लियामेंट के लिए या फिर लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट के लिए, दिमाग लगाओ, स्पून फिटिंग नहीं करना बेटे, दिमाग चलाते रहिए, जीएसटी में दिमाग चलाना है। सारी बातें लॉजिक से क्लियर कराऊंगा, जीएसटी पे कुछ भी रटना नहीं है, एवरीथिंग वुड बी क्लियर बाय लॉजिक, हर चीज का लॉजिक है, जीएसटी में जो भी चीज लिखा है वो लॉजिक से लिखा गया है, तो लॉजिक याद रहना है। इस सब्जेक्ट टू किसके लिए है, इस सब्जेक्ट टू किसके लिए है, पार्लियामेंट के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, सब्जेक्ट टू जो यूज हुआ है बेटे वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए यूज हुआ है, पार्लियामेंट के लिए नहीं, जो कॉमा के बाद जो वर्ड आएगा उसके लिए यूज होता है सब्जेक्ट टू, ये लीगल इंटरप्रिटेशन का तरीका है बेटे, इसे आप पढ़ेंगे अपने कंपनी लॉ वाले चैप्टर में, इसे इस तरह इंटरप्रिटेट करते हैं, सब्जेक्ट टू के बाद जो लिखा हुआ वर्ड वो सब्जेक्ट टू उस पर अप्लीकेबल होगा, ना कि उसके पहले वाले वर्ड पे। तो सब्जेक्ट टू के बाद लिखा है स्टेट, तो ये स्टेट के लिए है। तो आर्टिकल 246A ने क्या पावर दिया बेटे, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, दोनों मिलके कानून बना ले सकती है जीएसटी के ऊपर, जो कि उन्होंने बना भी लिया है। तो पार्लियामेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, स्टेट के लिए थोड़ी सी कंडीशन है कि आप कानून बना लेना, पर जो आपका जो पावर होगा वो सब्जेक्ट टू क्लॉज टू होगा, पार्लियामेंट के लिए ऐसा नहीं कहा गया बेटे, ये बात ध्यान देंगे आप लोग, ये बात पार्लियामेंट के लिए नहीं कहा गया है, ये बात केवल और केवल स्टेट के लिए कहा गया है। स्टेट की जो पावर होगी बेटे वो सब्जेक्ट टू होगी, सब्जेक्ट टू क्लॉज टू, पार्लियामेंट का पावर है अनलिमिटेड, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया गया, पार्लियामेंट कानून बना लेगी जीएसटी उसमें बिना कंडीशन के, पर जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी वो सब्जेक्ट टू क्लॉज टू बनाएगी, और क्लॉज उसे हम आगे जाके देखेंगे क्लॉज टू में क्या है, पर जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून बनेगा वो सब्जेक्ट टू बनेगा, उसके बियॉन्ड कानून नहीं बनेगा, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 246A ने क्या बोला बेटे, आर्टिकल 246 केवल इतना ही बोलता है बेटे कि पार्लियामेंट और स्टेट अपने अपने हिसाब से कानून बना लो जीएसटी के लिए, अपने अपने हिसाब से, कहने का ये मतलब नहीं कि जो मर्जी है कानून, जो भी कानून बनाओगे उसे जीएसटी काउंसिल से रिकमेंड कराना पड़ेगा, और जो जीएसटी काउंसिल तभी रिकमेंड करेगी, कब रिकमेंड करेगी बेटे, जब दोनों का कानून इक्वल हो, अगर दोनों में कोई डिफरेंसेस होंगे तो वो कानून पास नहीं होगा, उसे काउंसिल रिजेक्ट कर देगी, तो दोनों का कानून सेम होगा, जो बेसिकली कानून तो सेंटर ने ही बनाया बेटे, उसे स्टेट वालों ने एज इट इज कॉपी कर लिया है, उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया है, कानून सेंटर ने बना दिया, स्टेट ने एज इट इज कॉपी कर लिया है। तो क्लाउज वन ये कहता है बेटे, फाइनल टाइम के लिए रिपीट करता हूं, क्लाउज वन कहता है कि नोटिफिकेशन एनीथिंग कंटेंड इन आर्टिकल notwithstanding anything contained in article 246 and 254 को overrule करना है, parliament and subject to clause 2 legislature of every state, parliament or a state government दोनों जीएसटी पे कानून बना लेंगे, पर जो state government का कानून होगा वो subject to clause 2 होगा। चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है, एनी डाउट?